दोस्तों बिग बॉस ओटीटी में पहले जो कॉन्टेस्टेंट आए थे फलक नाज, वो आते ही कंट्रोवर्सी खड़ा कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, उनका लाइफ जो है पूरा कंट्रोवर्सी से घिरे हुए हैं, वहां पर सब यही बोल रहे थे, लेकिन क्या हुआ असली मांजरा वो कोई नहीं बता रहा था। तो दोस्तों चलिए मैं बताता हूँ फलक नाज का जो ये कंट्रोवर्सी है वो क्या लेकर है और क्या क्या करी है। दोस्तों फलक नाज की जो कंट्रोवर्सी है, ये कंट्रोवर्सी मेनली चार कैरेक्टर पे बेस्ड है। हालांकि पूरे फैमिली यहाँ पर डेवस्टेटेड है, लेकिन ये चार कैरेक्टर पे बेस्ड है। पहला है फलक नाज, दूसरा है उनकी ही बहन शफाक नाज, और जो मेन कैरेक्टर है उनके भाई शाहजीन खान, और एक एक्ट्रेस जिनके लिए अभी ये लोग बहुत कंट्रोवर्सी के घेरे में आए थे, वे थे तनीषा शर्मा। तो शुरुआत कहां से हुआ, शुरुआत हुआ है सब टीवी के जो सीरियल आता था अलादीन, उनके सेट से। वहां पर तनीषा शर्मा और फलक के भाई शीजन खान दो को एक्ट्रेस थे, और उन दोनों के बीच लव वाला माहौल भी क्रिएट हो गया। ये दोनों को पसंद करते थे और वे लोग प्यार भी करते थे, लेकिन काला दिन कहा जाए, वो काला दिन में सोनी सब की जो अलीबाबा का सेट है वहां पर ही तनीषा शर्मा सुइसाइड कर लेते हैं फांसी लगाकर। जी हाँ दोस्तों, यही से शुरुआत हुआ, और इसके बाद शीजान खान पे गया उंगली। जी हाँ दोस्तों, तनीषा की मम्मी शीजान खान के ऊपर आरोप लगाए कि ये सुइसाइड के पीछे शीजान खान के हाथ है। तो आप बिग बॉस की सेट में कहते हुए सुने थे कि उनके भाई जेल में थे। जी हाँ दोस्तों, और इनके लिए अरेस्ट कर लिया गया था और वे जेल में थे 3 महीना। हालांकि 3 महीने बाद बेल मिल गया था, और इसको लेकर फलक और उनके बहन शफक, इन दोनों में काफी मतभाव देखने को मिला, और ये पूरा परिवार एक आतंक के घेरे में आ गए, और सब लोग इनके ओर जो नजरिया है वो चेंज कर दिया। ये सब कुछ बताया है फलक ने खुद बिग बॉस की एंट्री पे ही। तो ये जो कंट्रोवर्सी है, ये कंट्रोवर्सी के साथ साथ शफक और फलक का जो अपना बहन का रिश्ता है, ये बहुत अच्छा नहीं था। जी हाँ दोस्तों, ऐसा एक समय था कि ये दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। शफक अपने फैमिली को छोड़ के बाहर रहने लगे थे, हालांकि बाद में ये सब ठीक ठाक हुआ, और फलक भी ये बात कहे है सामने। और ये जो कंट्रोवर्सी हुआ, इस कंट्रोवर्सी के कारण शीजान का बहन कहा जाता है फलक नाज को, क्योंकि शीजान अभी बहुत पॉपुलर हो गया, हालांकि कंट्रोवर्सी के कारण ही हुआ है। तो फलक का और एक अभी जो फेस है शीजान का भाई, और ये कंट्रोवर्सी के चलते फलक को मिला है एंट्री बिग बॉस ओटीटी 2 में। दोस्तों आपको ये कंट्रोवर्सी के बारे में पता था या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दोस्तों मुझे इंतजार आ गया दोस्तों आपके कमेंट का।